हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले बिसेस इन्फोटेक एमपीएस इन्फोटेक के बारे में। बात करेंगे इसमें जो हाई वॉल्यूम सामने निकल के आए उसकी बात करेंगे। अपर सर्किट लगातार इसमें 2 से 3 अपर सर्किट लगातार देखने को मिले। फर्स्ट यदि आज के दिन क्या हमें एनएससी के काउंटर पर प्राइस चेक करें तो 80 पैसे पे आज के दिन बंद होने को दिखा। 6.67% की बढ़त के साथ 5 पैसे बढ़ के 80 पैसे पे आज के दिन बंद हुआ। उसी के साथ यदि आप 52-1 ईयर का लो देखें तो वो 15 पैसे रहने वाला है। यदि हाई की बात करें तो 1.75 रुपये अपने हाई से काफी दूर एंड लो से काफी करीब 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आप बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस पॉइंट पे बनती है। लगातार यदि आप शेयर मार्केट में देखें तो काफ़ी सारे पेनी स्टॉक, चाहे ब्लू चिप स्टॉक, अपनी अच्छी खासी गिरावट में अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। बट ये स्टॉक बिसेस इन्फोटेक अपने 52 वीक से भी काफ़ी आगे पहुँच चुका है, तो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी बनने की एक संभावना है। लेकिन यदि आप देखें यहाँ से यदि आगे जाता है 1 रुपये के यदि ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर 52 वीक हाई तक यहाँ के टारगेट्स आपको अचीव होते आने वाले समय में, नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ यदि फॉरम सेंटीमीटर पे एक स्थिति चेक करें तो 71% लोग यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी की सलाह बता रहे हैं। उसी के साथ यदि 17% लोग देखें तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप होल्ड ही कीजिए, इसे आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न देके जा सकता है। साथ साथ यदि 12% लोग देखें तो वो यहाँ पे सेलिंग की सलाह दे रहे हैं। उसी के साथ यदि आप यहाँ पे देखें, एक इन्वेस्टर यहाँ पे लगातार बोल रहे हैं लग रहा है कि ये 100 पार ही जाएगा, क्योंकि ये इसमें एक ऐसी तेजी देखने को मिली जो आज के दिन भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, उसकी भी हम तफसील से एनालिसिस अभी करने ही वाले हैं। साथ साथ यदि आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस पे एक स्थिति चेक करें तो 80 पैसे के प्राइस के साथ साथ अभी इसका 50 डेज डीएमए जो इसका चल रहा है वो 0.82 चल रहा है। मतलब अभी 2 पैसे ही अपने प्राइस से यदि ऊपर जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ से प्रॉफिट बनाते हुए दे सकता है। उसके साथ यदि 200 डेज डीएमए देखें तो उससे तो ऊपर है ही है, तो दोनों तरफ से टेक्निकली रूप से दोनों तरफ से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ अभी दिख रहा है। 82 पैसे के ऊपर जैसे ही जाएगा आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही टर्म में प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है। साथ साथ यदि आप वॉल्यूम देखें तो अभी वॉल्यूम थोड़ी कम है जो इसके वॉल्यूम यहाँ पे आते थे। यदि आप यहाँ पे देखें ये जो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहा करते थे, देन अभी वॉल्यूम कम है, लेकिन आज के दिन थोड़ी अच्छे वॉल्यूम देखने को इसमें मिले। यदि आप रिटर्न की बात करें तो YTD एंड 1 वीक में जो इसके पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यही इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। जबकि यहाँ पे पूरे शेयर मार्केट में YTD वाले रिटर्न है वो अभी नेगेटिव में पहुँच चुके हैं। 1 मंथ के रिटर्न देखें नेगेटिव में, 3 मंथ, 6 मंथ के रिटर्न अभी नेगेटिव में यहाँ पे शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर लॉन्ग टर्म के रिटर्न सभी यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न बन के यहाँ पे शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ यदि आज का वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम रहने वाला है। 3 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम इसका आज के दिन देखने को मिला है। 1 मंथ के एवरेज में वही वॉल्यूम यदि आप चेक करें तो 3 करोड़ शेयरों का था, देन आज के दिन वही वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। जबकि यहाँ पे 1 वीक के एवरेज में जो वॉल्यूम 2 करोड़ का रहा था, एंड कल के दिन भी 2 करोड़ का शेयरों का यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला था। डिलीवरी वाइज यदि आप एक पैटर्न चेक करें तो 64% की डिलीवरी 1 मंथ के एवरेज में रहा करती थी, वो भी 1 वीक के एवरेज में यहाँ पे 62% की थोड़ी सी कम होने को जरूर दिखी। लेकिन अभी कुछ दिनों से 2-3 ट्रेडिंग डे से यहाँ पे एक अच्छी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 77% की डिलीवरी अभी देखने को मिली थी कल के दिन। एंड यदि आज के दिन भी डिलीवरी परसेंटेज वाइज चेक करें तो एक अच्छी परसेंटेज डिलीवरी देखने को मिली है। VSE के काउंटर पर थोड़ी सी कम ही डिलीवरी उठती है इसकी, तो 48% के अराउंड की डिलीवरी VSE के काउंटर पर रही। वही यदि NSE के काउंटर पर चेक करें तो 76% की डिलीवरी NSE के काउंटर पर उठने को देखने को मिली। यदि आप NSE के काउंटर पर एक और चीज़ चेक करें तो 1.89 करोड़ शेयर यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडिंग में लाएगा। उसी के साथ डिलीवरी बेस पर देखें तो 1.44 करोड़ के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर 76% के अराउंड की डिलीवरी NSE के काउंटर पर उठने को देखने को मिली है। तो एक अच्छी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पर उठते हुए देखने को मिली है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन विशेष इन्फोटेक MPS इन्फोटेक में बनते हुए दिखाई यहाँ पर दे रही है। साथ साथ यदि आप आज के दिन का प्राइस देखें VSE के काउंटर की हम मेनली यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 78 पैसे पर पूरे दिन भर यहाँ पर चलता रहा। बीच में थोड़ी सा यहाँ पर गिरावट जरूर दिखी, 77 पैसे तक आया, लेकिन यदि आप लास्ट ट्रेडिंग टाइम तक देखें तो 78 पैसे का इसमें अपर सर्किट लगा रहा। जबकि यहाँ पे NSE पे देखें तो वो 80 पैसे पे यहाँ पे बंद होने को दिखा है। तो यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट भी आज के दिन देखने को नहीं मिला है। 2 पैसे का जो यहाँ पे गैप है BSE एंड NSE के बीच, वो यहाँ पे कल के दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यहाँ पे जरूर पूरा होता हुआ दिख सकता है। साथ साथ यदि आप AMO सेक्शन पे एक स्थिति चेक करें जिसको हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। 11 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी 80 पैसे पे सेलिंग के लिए लगी हुई, जो कल के दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना के जरूर
दे सकती है। उसके बाद यदि हम प्रोज एंड कॉन्स इस कंपनी के चेक करें तो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री होने का वादा करती है एंड इस समय इसकी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे शेयर का प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है 1.15 रुपये, जबकि शेयर का इस समय जो प्राइस है वो 80 पैसे के अराउंड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी है बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चलना, इसके लिए पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिविटी तो बना के दे ही रहा है। साथ साथ यदि आप कॉन्स की बात करें तो काफ़ी सारे इसके कॉन्स सामने निकल के आते हैं, चाहे वो प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज होना, 18% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स ने इसमें डिक्रीज की है, ये इसकी यहाँ पे नेगेटिविटी है। साथ साथ और भी नेगेटिविटी है, देखें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, ये भी इसकी बहुत बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे सामने बन के नजर आती है। 2% के अराउंड की होल्डिंग अभी प्रमोटर ने इसमें बना रखी है। उसके साथ यदि आप यहाँ पे देखें लो रिटर्न ऑफ इक्विटी का ये शिकार है, 0.96% नेगेटिव में लो रिटर्न ऑफ इक्विटी चल रही है, लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे यही रहने वाली है। बकाया यदि आप सेल्स देखें तो इसमें लास्ट क्वार्टर में जो सेल्स थी, मतलब क्वार्टर फोर्थ में जो इसकी सेल्स थी वो 18 लाख की सेल्स थी, क्वार्टर तीन में 10 लाख की सेल्स थी, उसके पहले 13 लाख की सेल्स थी। तो लाख में सेल्स इसकी रहती है, 10 लाख से ऊपर की सेल्स इसमें देखने को अभी लास्ट 3 क्वार्टर से देखने को मिल रही है। उसके बाद यदि आप इसके एक्सपेंसेस देखें, मतलब कंपनी के द्वारा किए गए खर्चे देखें, तो 59 लाख के खर्चे कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर टू में किए थे, क्वार्टर तीन में यदि बात करें तो 51 लाख के खर्चे कंपनी ने किए थे, अभी क्वार्टर फोर्थ में कंपनी ने 56 लाख के खर्चे किए, जिस कारण से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी एकदम 38 लाख देखने को मिला है, नेगेटिव में 38 लाख है, क्योंकि कंपनी ने सेल्स कम ही है खर्चे ज़्यादा कर दिए, तो इस कारण से कंपनी की नेगेटिविटी सामने देखने को मिली थी। तो क्वार्टर फोर्थ में जो कंपनी की नेगेटिविटी थी, मतलब 38 लाख के कंपनी को लॉसेस लगे थे, ऑपरेटिंग लॉस जैसे हम बोलते हैं। अदर इनकम की बात करें तो पिछले टाइम जो इनकी अदर इनकम 83 लाख की थी वो अभी 1 लाख की देखने को मिली, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी इस कंपनी के लिए सामने निकल के आ रही है। उसके साथ यदि आप इंटरेस्ट पे आउट देखें तो कंपनी लगातार इंटरेस्ट पे आउट कर रही है, 7 लाख का इंटरेस्ट हर क्वार्टर में कंपनी को देना पड़ रहा है, मतलब यदि आप ईयरली वाइज चेक करें तो कंपनी को 28 लाख रुपए इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, 1 ईयर में 28 लाख ये इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को या जिसको भी दे रहे हैं, जिससे भी इन्होंने पैसा यहाँ पे गिरवी रखा है। डेप्रिसिएशन देखें तो 89 लाख का यहाँ पे डेप्रिसिएशन रहने वाला है, जिसके कारण से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस में तब्दील होता है। नेट लॉस यदि आप इस समय चेक करें तो 1,24,00,000 का कंपनी को इस समय नेट लॉस है, तो इतने बड़े लॉसेस के साथ कंपनी चल रही है। बकाया इस पूरे सेक्टर में एक तेजी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी है एंड जैसे भी आपको पता है कि सारा वर्क यहाँ पे ऑनलाइन होने होते हुए देखने को मिल चला है, तो इस कारण से इस पूरे सेक्टर में एक तेजी बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, जिस कारण से ये कंपनी आने वाले समय में हो सकता है एक तेजी के साथ ग्रो करने को दिखे। उसके साथ यदि आप NSE पे एक प्राइस चेक करें तो 80 पैसे के साथ आज के दिन 6.67% की बढ़त के साथ बंद होने को दिखा है, तो 5 पैसे की तेजी आज के दिन देखने को मिली। हाँ, लेकिन यदि आप देखें तो वो तेजी यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे लास्ट 1 घंटे में ही देखने को मिली, ये तेजी क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम पे कल के दिन के लिए यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है, इसके जवाब आपको मिलेंगे कल के दिन 9:30 बजे आप मार्केट में देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आज के दिन NSE के काउंटर पे लगा है, सेलिंग प्रेशर लगभग 11 लाख से ज्यादा क्वांटिटी का है, तो यहाँ पे कल के दिन ऐसी तेजी कंटिन्यू होती हुई थोड़ी रियली देख सकती है, हो सकता है मिड सेशन 12:30 बजे के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेजी आ सकती है। बकाया आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे यदि इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपके लिए नॉलेज परपज के लिए, तो आप प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती है। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।